लड़की में और इनमें कोई फर्क नहीं है। जैसे दुल्हन घूंघट में आकर चेहरा छुपाती है, तूने मुझको दीवाना किया। ये वैसे ही चेहरा छुपा रहे हैं। लड़की समझ लिए क्या? बड़ा हरामी हो। मैं छक्का बनना चाहता हूँ। डैशबोर्ड पे असलार। आपको बता थे कि मेला में एक से बढ़कर एक खाने पीने की चीजें हैं, तो यहाँ पे देखिए ये है। क्या ला बाबू? बढ़िया है। जरा बोल्ड बोलिए। बढ़िया है ना? ये क्या बोलते हैं इसको? छोला भटोला। गाइस आपको बता दे कि ये है ताजा ताजा छोला भटोला, लेकिन इसके पहले मेरी मामी भाग गई है किसी दूसरे टोला। थोड़ी थोड़ी फनी फनी बातें होती रहेंगी और फिर हम चलेंगे आगे, तो बने रहेंगे हमारे साथ। क्यों, अच्छा लगा ना? आओ चाचा, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। बढ़िया है ना? आगे नहीं लग रहा है? नहीं, कहाँ से होगी लगेगा, पैसा करता। अच्छा गाइस, चाचा कह रहे कि पैसा के चक्कर में नींद बर्बाद हो गया। अब बताइए ये सही बात है नहीं ना? अरे कम से कम शरीर को आराम देना भी जरूरी है। शरीर आराम करेगा तभी तो पैसा कमाएगा। लेकिन नहीं गाइस, इंसान की जीविका एक ऐसी चीज है, पेट एक ऐसी आग है जिसको बुझाने के लिए हमें कोई न कोई काम करना पड़ता है। चाहे हम घर पे काम करें या फिर बाहर जाए या फिर दर दर की ठोकर खाकर हम अपना परिवार क्यों न चलाए। इसलिए हर शख्स को अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना जरूरी है। किसके लिए? तो पैसे के लिए। अगर पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो सब बर्बाद है। क्यों चाचा, सही बात है ना? सही है ना? पैसा कमाना जरूरी है। जरूरी है। आप भी कमाते हैं? कमाते हैं ना गाइस? चाचा की ज्यादा उम्र ढल चुकी है फिर भी कमाते हैं। गाइस लानत है हम जैसे नौजवानों पर जो अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत नहीं करते हैं। इसलिए हमें अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, ताकि चाचा के उम्र के लोगों को कमाने का वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कमाते हैं अपने बाल बच्चों के लिए। सो गाइस बने रहेंगे हमारे साथ और आपको हम लेके चलेंगे पीछे। यहाँ पे लगा है ड्रैगन टावर, झूला, रेलगाड़ी, मिक्की माउस, सबको घुमाएंगे, तो बने रहेंगे हमारे साथ। माय डियर फ्रेंड्स, तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं रेलगाड़ी वाले झूला के पास। आप देख सकते हैं पीछे रेलगाड़ी चल रही है छुक 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 छुक, और मेरी मामी कर रही है धुक 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 धुक। खता हो गई मुझसे। सॉरी गाइस, थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें होती रहेंगी। और भैया लोग बढ़िया से चल रहे हैं? बहुत अच्छा चल रहा है। झूला झूल लिए? ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। हाँ झूल लिया, झूल लिए, मजा आया है। बहुत मजा आया है। अकेले झूले? नहीं नहीं नहीं, हम लोग सब साथ में झूले। वो अलग है। अभी आपकी गर्लफ्रेंड लोग नहीं आई है क्या? ना, हम लोग गर्लफ्रेंड लेकर साथ में। गाइस ये लोग गर्लफ्रेंड लेकर साथ में झूले हैं, लेकिन झूठ बोल रहे हैं। बहुत कमीने दोस्त है ये। अक लड़की कुड़ी देना, हाय हाय। माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे मेला के नमूने भाई। बिल्कुल नमूना। आई लव यू। लड़की में और इन लोग कोई फर्क नहीं है। ये बिल्कुल लड़की की तरह शर्मा रहे। तुमसे निगाहें चार। जैसे 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 दुल्हन घूंघट में आकर चेहरा छुपाती है, ये वैसे ही चेहरा छुपा रहे। मेरा दोस्त छक्का है। गजब बेइज्जती है। अभी अभी पता चला है कि छापरा जिला से लड़की चल के आई है कमर हिलाने के लिए। सही बात है ना भाई? सही बात है। बड़ा हरामी हो बेटा। सही बात है। गाइस इतने बड़े मेला में एक छोटा सा जेल बना हुआ है, और जेल के अंदर एक आदमी बंद है। कौन है ये लोग? और भाई साहब, आप जेल के अंदर काहेला बंद है? बस ऐसे ही। मेरा दोस्त छक्का है, मेरा दोस्त छक्का है। ऐसे ही बंद है। पता नहीं ये कौन सा जुर्म किए है जो बेचारे गांव वालों ने छोटे से सेल के अंदर बंद कर दिया है। मतलब ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए भाई, नहीं होना चाहिए। अपने गलती को स्वीकार कर लीजिए और गांव वालों से हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिए, ताकि गांव वाले आपको माफ कर देंगे और इस जेल से छुटकारा दिला देंगे। ये भैया बहुत बहुत हंस रहे देखकर। क्या बात है भाई, लड़की समझ लिए क्या? ना, आपको ये समझ लिए। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है।
अरे मुझे चक्कर आने लग गया। बोलिए ये बताइए, हम इनका जीएफ हो सकते हैं? लड़का का भी लड़का का जीएफ हो सकता है? नहीं गाइस, ये गलत बात है ना। इनको दफा 302 के तहत काले पानी की सजा देनी चाहिए, है ना भाई? काले पानी की सजा होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं ब्रिजेश गन शूटर। यहाँ पे भी लिखा हुआ है ब्रिजेश गन शूटर। भाई ये मारने वाली की सुपारी लेते हैं क्या? मैं नहीं बताऊंगा, मैं छक्का बनना चाहता हूँ। हमको क्या लग रहा है किसी को मारने की सुपारी लेते हैं? हमको ऐसा ही लग रहा है। हेलो भैया, बढ़िया है ना? बढ़िया, बहुत बढ़िया। फुला रहे हैं, गुब्बारा फुला रहे हैं। हमको तो कुछ और लग रहा है। ये तो धोती खोल रहा है यार, गुब्बारा है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? चश्मा लगाया। अरे डबल बैटरी हमारा फ्यूज हो गया है, इसका बैटरी फ्यूज हो गया है। चार्ज करा लो, किसी बच्चे चार्ज कर देंगे, छोटे छोटे बच्चे चार्ज करते हैं। गाइस ये देखिए, अरे छोटे छोटे बच्चे डबल बैटरी को चार्ज कर देंगे। ये तो ऑप्टिकल वाला बनाता है, नहीं गलत बात है। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है विषय में मनोरंजन ही मनोरंजन, मतलब कुछ भी यार मनोरंजन कैसे कर लेंगे दुकान में? कोई लड़की यहाँ पे ना चलिए मनोरंजन कर लेंगे। यहाँ पे लॉटरी का दुकान लगा हुआ है और पीछे में बबल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे गाइस भैया लोग यहाँ पे शूटर खेल रहे हैं, यहाँ पे बबल्स लगा हुआ है इस मनोरंजन ही मनोरंजन की दुकान में। ये देखिए भैया शूटिंग कर रहे हैं, अब इनकी बारी आई है। नहीं लगा, नहीं लगा। माय डियर फ्रेंड्स, तो सभी प्यारे प्यारे यहाँ के साथी लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो हम भी खेलने वाले हैं वहाँ पे बबल शूटर, हम भी करेंगे। तो बने हमारे साथ, आपको हम दिखाएंगे। गाइस हम राइफल उठा लिए हैं, अब चलते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मारने, क्योंकि मुझे बार बार धोखा दे रही है। लेकिन इसके पहले हम बबल शूटर करेंगे, तो आइए शूटिंग करते हैं। गाइस अभी और खेलेंगे, ये गन पूरा लोडेड है। गाइस ये दूसरा राइफल तैयार है, ठीक है ना? तो फाइनली अब हम शूटिंग करने वाले हैं। जल्दी को ये किस कर गया गाइस। लेकिन अब चलते हैं गर्लफ्रेंड को मारने इससे। मरा हुआ है गाइस, मेरे गर्लफ्रेंड इससे मरा जाएगी ना, क्योंकि बार बार मुझे धोखा दे रही है। इसलिए सोचा हूँ कि अब प्यार का भी इंतकाम लेंगे। अब नारे साथ है ना, तो पक्का मार दिया जाए। गाइस तो हम भी अपना किस्मत आजमाने वाले हैं। सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? 20 रुपए के बदले आपके 50 रुपए जितना है वहाँ पे उस ग्लास पे, तो फाइनली हम मारने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चार ग्लास गिरा यार, हमको गिराना था पूरा 6। अगर 6 गिरा देते तो हमको 50 रुपए जीत लेते, लेकिन नहीं हम 4 गिरा पाए, इसलिए हम 20 रुपए हार चुके हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ठास। माय डियर फ्रेंड्स, इतनी ठंडी में गर्मी वाली चीज बिक रही है, मतलब ये सही बात है भाई? सही है। चार बार बोले हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। कैसे अब ठंडी में ठंडी चीज बेचिएगा तो ठंडा लग जाएगा। गाइस यहाँ पे पीछे बिक रहा है क्या? पेप्सी कोला, ये बिक रहा है पेप्सी कोला। अगर पीना हो तो आइएगा सुखलाई वाला टोला। क्या भैया क्या हाल है? बढ़िया है। ये बताइए इतना इतना ठंडी में पेप्सी कैसे है? भैया ठंड में पानी में हम लोग क्या करें, ठंडी में पीना पड़ता है। लग जाएगा ठंडा तो पीछे से निकलने लगेगा अंडा। चलिए सो गाइस, अगर आपको भी पीना हो तो मोबाइल के अंदर से निकल के पी लीजिएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए हमारे साथ और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएंगे कि हमारा ब्लॉग कैसा लगा।